हेलो स्टूडेंट, होम साइंटिस्ट एकेडमी में आप सभी का वेलकम है। अगर मेरा वीडियो चैनल आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के वीडियो में हम फाइबर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये जो क्लासिफिकेशन है वो उसके सोर्स के अकॉर्डिंग है कि किस सोर्स से हमको वो फाइबर मिलता है। सोर्स के अकॉर्डिंग जो फाइबर का क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप का है, एक है नेचुरल, एक है मैनमेड। नेचुरल मतलब नेचुरली जो हमें अवेलेबल होता है, यानी प्लांट से हो सकता है, एनिमल से हो सकता है, मिनरल से हो सकता है, और जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है उसे हम मैनमेड कहते हैं। तो सबसे पहले हम नेचुरल जो उसके सोर्सेज है फाइबर के उसका डिटेल पढ़ लेते हैं। नेचुरल जो फाइबर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे सबसे पहला है सेल्यूलोसिक नेचर का होता है, क्योंकि ये प्लांट से मिलता है। इसमें आता है कि प्लांट के भी जो अलग अलग पार्ट्स है, जैसे सीड से मिल सकता है, या उसके हस्क से मिल सकता है, या उसके तने से मिल सकता है, तो उसके हिसाब से ये क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है सीड हेयर, मतलब जो सीड्स है उसके ऊपर भी जो हेयर्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं उससे फाइबर बनता है। इसका एग्जांपल है कॉटन और कपोक, ये दोनों सीड हेयर के एग्जांपल हैं। सेकंड है बास्ट, यानी स्टेम से जो मिलता है, तने से मिलता है, उसमें जूट आ गया। फ्लैक्स, फ्लैक्स यानी लीलन होता है। इसके अलावा हेम्प है, रेमी है, मैनिला है। मैनिला जो होता है वो बनाना के स्टेम से बनाया जाता है। इसके अलावा सन, वो भी एक बास्ट फाइबर का ही एग्जांपल है। फिर आता है लीफ, ऐसी बहुत सारी प्लांट की लीफ होती है, पत्तियां होती है, जिससे भी फाइबर बनाया जाता है। जैसे पाइनएप्पल की पत्तियों से बनाया जाता है जिसे पीना फाइबर कहते हैं, उसी तरह से ये जो अबाका है वो बनाना की लीव से बनाया जाता है। सीसर है, जो कि सीसर लीव्स, सीसर का जो प्लांट है उसकी पत्तियों से बनाया जाता है। फिर आता है नट हस्क, जिसमें एग्जांपल जो फाइबर है वो है कोयर। ये मेनली जो नारियल होता है, कोकोनट होता है, उसका जो हस्क होता है उसको कोयर फाइबर बोलते हैं। इसको आप नट हस्क भी बोल सकते हैं या फ्रूट हस्क आता है तो भी ये बोल सकते हैं। इसके अलावा सेकंड जो नेचुरल में क्लासिफिकेशन है वो है प्रोटीन नेचर का। ये सारे एनिमल से होते हैं। एनिमल से मेनली हमको वूल प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होता है, जो एनिमल हेयर से मिलता है, और एक एनिमल के सिक्रेशन से, सिल्क से जो सिक्रेशन होता है उससे हमें सिल्क मिलता है। इसके अलावा मिनरल्स हैं, जैसे एस्बेस्टस मिलता है। इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, ये भी बहुत सारे होते हैं जो मिनरल्स के एग्जाम्पल है। और लास्ट होता है नेचुरल रबर। ये तो सारे जो है वो नेचुरल फाइबर के एग्जांपल है, जो नेचुरली हमको अवेलेबल होते हैं। अब मैनमेड जिसको आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं, सिंथेटिक भी बोल सकते हैं, या मैन्युफैक्चर भी बोलते हैं, तो ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। इनका क्लासिफिकेशन है जो मैं अभी आपको बता देती हूँ। इसमें भी मेन जो है वो फोर टाइप का है। पहला है मैनमेड सेल्यूलोसिक, जिसको रीजनरेटेड फाइबर भी बोलते हैं। इसमें रेयोन है, रेयोन ही इसका सबसे पहला रीजनरेटेड फाइबर है। फिर है मैनमेड मॉडिफाइड सेल्यूलोस, जिसमें है एसिटेट। थर्ड है मैनमेड नॉन सेल्यूलोसिक, मतलब इसका जो नेचर है वो सेल्यूलोस वाला नहीं होता है। इसमें एग्जाम्पल है नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और स्पेंडेक्स। फिर है मैनमेड मिनरल्स, जिसमें आते हैं ग्लास और ल्यूडेक्स। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल है जो मैनमेड फाइबर्स में आते हैं, जैसे क्वार्ट्स है, जियोटेक्सटाइल है, और टेफिलिन। ये सारे ही मैनमेड में अदर फॉर्म में आते हैं। तो ये जो सारा क्लासिफिकेशन है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इसके एक दो क्वेश्चन जो है नेट और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में जरूर आते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू।